पहले फर्स्ट वाला बेल था तालुंग जोमांग का नाम। तालुंग जोमांग है फादर ऑफ बिनाम जोमांग और काबित जोमांग ना। बिनाम जोमांग तो एई सिविल 2022 वाला केस में वो एक्यूज है ना। उसके बाद काबित जोमांग जो एई सिविल 2019 में रैंक 40 जो मिला था वो है, ठीक है। तो इसका क्या है कि तालुंग जोमांग ने तो मतलब बेल का ग्राउंड्स तो वो अपना फर्स्ट एई सिविल वाला केस में किया है, वो सीबीआई वाला केस ना, A009 वाला में, RC009 वाला में। तो लेकिन वही उसके ग्राउंड्स में और जो बेल मांगा है ना कि 130 डेज हो गया उसको ये फर्स्ट वाला केस में उसको अरेस्ट करने वाला, और फिर सेकेंड वाला केस में उसका 89 डेज हो गया बोल के, मतलब सीबीआई सेकेंड वाला केस मतलब 2019 से 2022 वाला में ना। तो वही मतलब आर्ग्यूमेंट तो वही था कि उसको इतना देर रख दिया है, वो चार्जशीट में भी ऑलरेडी नेम्ड है ना, तो अभी उसको रखने का कोई मतलब नहीं है, वो अब्सकाउंट नहीं करेगा, टेम्पर नहीं करेगा, जो भी बोलना था सब कुछ बोल दे दिया है, मतलब जो भी उसको गवाह देना था ना और सारा एविडेंसेस उसके अगेंस्ट कलेक्ट हो चुका है, ऐसे ऐसे बोल के उसको बेल दे दो बोल के, स्टेट्यूटरी पीरियड ओवर हो जाता है, बेल दे दो बोल के ना। तो पर फिर वही सीबीआई का काउंसिल एसपीपी मैम ने आर्ग्यू किया कि मतलब कि अगर उसका सेकेंड केस में भी वो नेम्ड है बोल के ना, काबित जोमांग वाला में भी, तो और उसके अगेंस्ट जो मतलब और भी बहुत सारा मतलब पॉसिबिलिटी है कि और भी वो करने के लिए अनर्ट करने के लिए ना, क्योंकि वो जो एक्यूज का साथ बहुत क्लोज रिलेशन में था बोल के, तो इसलिए उसको बेल मत दो करके ना, तो इसलिए अभी तो इसलिए उसका बेल रिजेक्ट कर दिया है ना। फर्स्ट मार्च से तो सीसी फ्रेम होके ट्रायल शुरू होगा, तो इसलिए बोले कि मैनिपुलेशन को विटनेस को मैनिपुलेट करने का पॉसिबिलिटी है बोला है, वो इकोनॉमिकली वेल टू डू है बोला ना, और अपना कम्युनिटी में भी बहुत वो है वेल वो है बोल के रिनाउंड करके। उसका फिर लोटू गद्दी का था सेकेंड, तो लोटू गद्दी तो वो था ना, वो जो जेई हैदराबाद वाला जो एक्यूज है वो अपना भाई के लिए पेपर बाई किया करके, लोटर गादी जो फिल इन्वेस्टिगेटर मिला था रैंक 7 2020 वाला ना, तो उसमें वही वो बोलना था उसका कि उसने अपना भाई को जो भी मनी दिया वो अवेयर नहीं था करके, उसका भाई जो पेपर क्वेश्चन पेपर जो एलेज किया है क्वेश्चन पेपर खरीदने के लिए था बोल के, उसको अवेयर नहीं था, वो इनोसेंट है बोल रहे, उसको बेल दे दो क्योंकि उसका कुछ तो वो हैदराबाद में काम कर रहा है, तो हाइडल प्रोजेक्ट कोई है कमीशन वाला टाइम बाउंड वाला, तो फेब्रवरी में उसको एंड करना है बोल के, तो स्टेट का बहुत लॉस हो जाएगा अगर वो ऑफिशियल चार्ज हैंड ओवर नहीं करने से टाइम तक, तो ऐसे करके वो मांगा है कोर्ट को ना। तो फिर एसपीपी ने आर्ग्यू किया है, सीबीआई के एसपीपी ने, कि उसको अभी इनिशियल स्टेज है उसका इन्वेस्टिगेशन का, अभी जनवरी में अरेस्ट हुआ वो, तो उसको मत दो करके बेल। तो वही तो जज ने बोला है कि उसको 10 डेज इंटरिम बेल दे दो बस, वो चार्ज हैंड ओवर करने के लिए, उसके बाद वो जेल में सरेंडर करना करके ना। फिर लास्ट है लोट ईजिंग का, तो लोट ईजिंग का भी वही है, लोट ईजिंग भी ऑलरेडी चार्ज शीटेड हो चुका है ना ए सिविल वाला केस में, तो उसका भी 61 डेज हो गया, तो चार्ज शीट करके, तो वही ऑलरेडी वो फोर्थ टाइम उसका बेल प्ली डाल रहा है, तो वही लोट ईजिंग को भी बोला कि चार्जशीट हो गया है उसका अगेंस्ट, एविडेंसेस भी कलेक्ट हो गया, और फिर उसका इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल नहीं है वो करके, तो उसको बेल दे दो करके, तो वही तो ज़्यादा आर्ग्यू करने के तो कुछ था नहीं, तो इसलिए कोर्ट ने बेल दे दिया उसको, वही वो उसका बेल हो गया। आपको लगता है कि बेल पे बेल आ रहा है, बेल एप्लीकेशन आ रहा है, और यहाँ पे आज जो देखा है दो आदमी को भी बेल मिल गया है, तो आपको एज एन एस्पिरेंट जेसी एस्पिरेंट आप लोगों को नहीं लग रहा है कि दिस केस इज गेटिंग लूजर समहाउ? नहीं, आई थिंक ना बेल के लिए तो कोई इशू नहीं है, मतलब कि वो केस टू केस वाला होगा ना, मैं एक्यूज का मतलब कि ना इन्वॉल्वमेंट है, जैसे कि आप देखने से लास्ट टाइम में तो जो भी था वो लोग सबका बेल हो गया, और अभी ये लोट ईजिंग का बेल हो गया, तो लोट ईजिंग का मतलब जज भी तो अपना विजडम यूज़ करेगा ना, तो जज के हिसाब से ये, और फिर एसपीपी मैम का कहना, एसपीपी नहीं बोलेगा लेकिन वो कि मतलब उसका इन्वॉल्वमेंट उतना ज़्यादा नहीं है, मतलब एस्पिरेंट जैसा ही है वो ना, तो वो लेकिन फिर तालुंग जोमांग का केस में क्या हो जाता है कि वो अपना पहले तो अपना सन के लिए करता है, सन के लिए लेता है 2019 में उसको बना देता है यही, फिर उसका बेटी के लिए करता है 2022 में ना, और फिर उसका जो ताकत अरे इसका ताकत जयरंग थमासारो का साथ रिलेशंस था ना, मतलब क्लोज एड है वो लोग जो, तो ऐसे होके तो इसलिए मतलब कि उसका भी तो बोलने से 130 डेज हो गए अरेस्ट होके, पर फिर भी जो कि सबको लास्ट टाइम में तो 90 डेज बोल के सबको दे दिया था, लेकिन उसका क्योंकि थोड़ा स्पेशल केस बनता है उसका ज़्यादा और इन्वॉल्वमेंट हो सकता है करके, तो इसलिए जज ने अपना विजडम यूज़ करके उनको बेल नहीं दिया। अभी तो ये लोटू गद्दी का केस में तो वो इंटरिम बेल है, मतलब वो वापस आना है उसको, वापस कस्टडी में आना है वो, मतलब उसका बस वो ऑफिशियल हैंड ओवर करने के लिए उसका प्रोजेक्ट को, इसलिए बस उसको दिया है बेल ना। अभी लोट ईजिंग वाला में तो उसको जज को लगा होगा कि उसका इन्वॉल्वमेंट उतना वो नहीं था, तो इसलिए उसको बेल दे दिया। वो ये अभी जज जो बोलेगा तो वो तो आर्ग्यू उसका विजडम पे तो छोड़ देता है वो। देन लास्ट क्वेश्चन, अभी सिर्फ बेल पे बेल एप्लीकेशन ही फाइल हो रहा है सेशन कोर्ट में, तो ट्रायल कब से शुरू होगा जो सबको एस्पिरेंट्स को चाहिए वो? हाँ, तो अभी 13 फरवरी में तो ये सारा एक्यूज लोग का जो चार्जशीट था ना, फर्स्ट चार्जशीट पे 8 एक्यूज लोग का, उन लोग का अपीयरेंस है ना, उन लोगों को बोला अपना काउंसिल का साथ आओ करके ना, सबका अपना अपना एडवोकेट होना है करके,
तो वही है उसका मार्च 1 से तो सीसी फ्रेम हो जाएगा, तो फिर वहाँ से उनका ट्रायल शुरू हो जाएगा। वही है कि जब सीसी फ्रेम होगा तो सब एक्यूज लोग प्रेजेंट होने करके, नहीं तो फिर वो पोस्टपोन होता रहेगा। वही है वही इशू।